नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर वन और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा और मैं हूं आपके साथ रंजना सिंह राठौड़। आपका अपना न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा आज एक बार फिर लेकर आया है इंडिया न्यूज ओपीडी। जी हां, आपकी अपनी ओपीडी जहां आप घर बैठकर बेहतर इलाज पा सकते हैं। कोरोना से कैसे बचा जाए, आपको कोई लक्षण है, क्या सावधानी बरतनी है, परिवार में कोई संक्रमित है तो कैसे ध्यान रखा जाए, इन तमाम सवालों के जवाब आपके अपने चैनल ने इस खास कार्यक्रम के जरिए ढंढूंढने के लेकर इस मुहिम को शुरू किया है, जहां पर अगले एक घंटे डॉक्टरों का एक बड़ा पैनल हमारे साथ रहेगा। आप भी कोरोना महामारी से जुड़ी जानकारी हासिल कर सकते हैं। अगले एक घंटे तक आप हमारे फोन नंबर 0113136 2137 पर फोन करके सीधे डॉक्टर से बात कर सकते हैं। कार्यक्रम की हम शुरुआत करें, लेकिन इससे पहले हम एक बार फिर से आपसे निवेदन करते हैं कि आप लोग सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियोस और लेखों पर जरा भी भरोसा ना करें, यह आपके लिए जानलेवा हो सकते हैं, क्योंकि कोरोना के हर मरीज की परेशानी अलग अलग होती है और कुछ लोग आपके मन में डर पैदा करना चाहते हैं, इसीलिए आप केवल डॉक्टरों की सलाह पर ही दवाइयां लें। ओपीडी की शुरुआत करें उससे पहले प्रदेश का ताजा हाल क्या है ये आपको बताते हैं, कोरोना अपडेट क्या कुछ कहता है या आंकड़ों के जरिए आपको बताते हैं कि क्या कुछ स्थिति फिलहाल प्रदेश में बनी हुई है। मंगलवार को कोरोना से 1233 नए मामले सामने आए, 3453 लोग ठीक हुए हैं, जो कि राहत की बात है। लगातार रिकवरी रेट बढ़ रहा है, ये बेहद जरूरी है, जानने वाली बातें हैं। हरियाणा में रिकवरी रेट करीब 97% पहुंच गया है और ये दिन प्रतिदिन बेहतर होता जा रहा है, जो कि एक अच्छी खबर है। इसके अलावा आंकड़ों में भी गिरावट दर्ज की जा रही है। एक्टिव केसेस की बात करें तो प्रदेश में अब एक्टिव केस करीब 16,000 हैं और इसकी संख्या भी घटती हुई नजर आ रही है और ये एक बड़ी कामयाबी स्वास्थ्य महकमे के लिए। अब तक करीब 58 लोगों का टीकाकरण हो चुका है। टीकाकरण की प्रक्रिया को भी युद्ध स्तर पर गति दी जा रही है और लगातार लोगों से भी वैक्सीन लगाने को लेकर अपील की जा रही है। 23 मई से रोजाना आने वाले नए मरीजों की संख्या 5,000 से कम हुई है और लगातार दूसरी लहर में संक्रमितों का जो आंकड़ा तेजी से बढ़ रहा था, अब उस पर कहीं ना कहीं ब्रेक लगता हुआ नजर आ रहा है। महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा की अवधि 7 जून तक के लिए बढ़ा दी गई है। ऐसे में लोगों से लगातार अपील की जा रही है कि तमाम गाइडलाइंस का पालन अवश्य करें। तो ओपीडी की शुरुआत करेंगे, हमारे दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, डॉक्टर अरुणेश कुमार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, इसके अलावा डॉक्टर अरविंद भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज हरियाणा की ओपीडी में। गुड इवनिंग डॉक्टर अरुणेश जी, मैं आपसे शुरुआत करना चाहूंगी। ओपीडी की शुरुआत ही हम इसलिए कर लेते हैं कि लोगों तक सही जानकारी पहुंच सके, जो तमाम सवाल उनके जहन में, आप डॉक्टरों के माध्यम तक उन तक पहुंच सके। लगातार सवाल सामने आ रहे हैं, लेकिन उन सवालों की शुरुआत करें उससे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, चूंकि अब आंकड़ों में गिरावट दर्ज की जा रही है, संक्रमण की रफ्तार थमती हुई सी नजर आ रही है, लेकिन क्या अभी करें और क्या ना करें, क्या लापरवाही यहां बरती जाएगी तो आने वाले समय में खतरनाक साबित हो सकती है? बिल्कुल सही कहा आपने, ये बहुत अच्छी बात है कि लॉकडाउन का एक बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिल रहा है जी। निश्चित रूप से नए केस के दर में कमी आई है हमारे हॉस्पिटल्स में, जहां अगर मैं अपने हॉस्पिटल की बात करूं, जहां 200 के करीब मरीज आज से 3 हफ्ते पहले थे, आज 50 से भी कम मरीज हैं। तो डेफिनेटली बहुत कमी आई है, नए मरीज जो कोरोना वाले में भी कमी आई, और जो दूसरे बीमारियों वाले मरीज जो पहले हॉस्पिटल में नहीं आते आना शुरू हो गया, तो ये तीनों इंडिकेटर थे इस बात का कि हमारे केसेस कम होते हैं, ये बड़ी खुशी की। लेकिन हमने मात्र 2-3 हफ्ते पहले ही ये देखा कि ये बीमारी कितनी मुश्किल पैदा कर सकती है, कितनी इन्फेक्शस, यहाँ पे लोगों को बेड मिलना मुश्किल था, ऑक्सीजन की कमी हो रही थी, मोर्टेलिटी काफी थी। तो हालांकि ये कम हुआ है, लेकिन हमें अपने में अभी भी इसके लिए मेक श्योर करना है कि ये इन्फेक्शन रेट को कम करें, क्योंकि वायरस अभी भी है, गया नहीं है, बल्कि वायरस हमारे साथ नहीं हुआ। तो हमें अपने जीवन शैली में कुछ परिवर्तन करने होंगे, जिसमें से मोस्ट इम्पोर्टेंट कोरोना बिहेवियर, जिसमें मास्क लगाना, तो दूरी रखना, हाथ साफ करना, ये सारी चीजें। और ये आज के लिए नहीं है, मैं ये संदेश देना चाहूंगा, ये आप हम लोग अपने ले आए अच्छा रहेगा कि ये वेव्स नया नाम दें कोरोना 2.0। बिल्कुल, बहुत ज्यादा जरूरी है कि आंकड़े जरूर कम हो रहे हैं, लेकिन लापरवाही न बरती जाए, जैसा कि डॉक्टर साहब भी कह रहे हैं। हमारे दर्शक सुंदर कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं, कहिए सुंदर।
सुंदर आवाज मिल रही है आपको जी, अपना सवाल पूछिए। हाँ, नमस्कार जी। नमस्कार जी, डॉक्टर नमस्कार। हाँ डॉक्टर, जैसे वैक्सीनेशन लगवाया आपने तो मैं ये हर कोई नहीं चाहता कि पैरासीटामोल गोली खा ले लेंगे, खानी चाहिए नहीं खानी चाहिए, कोई प्रॉब्लम ना हो तो। आवाज इस सवाल समझती है सुंदर, आपकी आवाज साफ नहीं मिल पा रही है, आपसे दरख्वास्त करूंगी कि दोबारा से आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं और अपने सवाल को पूछ सकते हैं। अपने दर्शकों से अभी अपील करूंगी कि जब भी आप फोन नंबर्स को डायल करें अपने टीवी के वॉल्यूम को कम कर दें, जिससे कि आपके आवाज साफ यहां पर सुनाई दे सके और डॉक्टर साहब आपके सवाल को सुन सके। डॉक्टर अरविंद, मैं आपसे जानना चाहूंगी, जिस तरीके से आंकड़ों में गिरावट दर्ज की गई है, लेकिन इन सबके बीच अब फंगस भी पैर पसारता हुआ नजर आ रहा है, आप यहाँ पर तमाम दर्शक जो इस वक्त आपको सुन और देख रहे हैं उनको क्या सलाह देना चाहेंगे? ब्लैक फंगस के केसेस अब बढ़ रहे हैं जी, हमारे। हेलो, कहीं आपकी आवाज मिल रही है अरविंद जी। हाँ जी, इसमें बेसिकली अभी ब्लैक फंगस के केसेस में काफी बढ़ोतरी हुई थी एक बार अभी, लेकिन फॉर्चुनेटली जैसे जैसे कोविड के केस कम आ रहे हैं वैसे वैसे ब्लैक फंगस के केस भी कम होने शुरू हो गए हैं जी। और ब्लैक फंगस के जो केस होने का सबसे बड़ा कारण था वो था कि एक बड़ी पॉपुलेशन को यही नहीं पता था कि वो डायबिटिक है, और उसके साथ साथ या जो डायबिटिक भी थे उनको बाद में जब स्टेरॉयड दिए गए जो कि कंपलसरी होते हैं कुछ तरह के कोविड के केसेस में, तो उससे शुगर की और स्थिति बिगड़ी और पेशेंट की इम्यूनिटी कम होके फंगल इन्फेक्शन का डर रहा और वही हुआ। और ये तो दूसरा तीसरा सबसे बड़ा कारण था कि हाइजीन का, कुछ सिचुएशंस में अगर हाइजीन ठीक से मेंटेन ना हो तो फिर ब्लैक फंगस का होने का खतरा ज्यादा रहता है जी। लेकिन ऐसे में समस्या डॉक्टर साहब ये है कि फंगस कहीं भी लग सकता है, खासतौर पर गंदगी वाली जगहों में ये सबसे ज्यादा लगता है, लेकिन लगातार बड़ी तादाद में बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन के डॉक्टर्स का ये दावा है कि ये मिट्टी में भी पाया जाता है, एनवायरनमेंट में भी पाया जाता है, अब इससे केस में समस्या है कि बचा कैसे जाए? देखिए, फंगस हमारे चारों तरफ है, फंगस ऐसा नहीं है कि हॉस्पिटल में है या घर में, फंगस इज अराउंड अस ऑल द टाइम। जब हमारी किसी भी कारण से इम्यूनिटी लो होती है तो ये अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन बोलते हैं, इस इन्फेक्शन के कारण फंगस इन्फेक्शन हो जाता है जी। अगर कुछ ऐसी कंडीशंस हैं जैसे डायबिटीज है, कैंसर है, जो इसका बैकग्राउंड होती है, तो वहां ये संभव उसका होने का चांस ज्यादा रहता है, स्पेशली जब स्टेरॉइड चले जी। तो सबसे इंपॉर्टेंट काम है स्टेरॉइड बिना डॉक्टर की सलाह के ना लें। अगर आपको स्टेरॉइड लेने पड़ते हैं किसी भी कारण से तो वो एक क्वालिफाइड डॉक्टर की सलाह पर लें, और उसके बाद हाइजीन का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। साथ में आपके ब्लड शुगर डायबिटिक है या तो उन केसेस में आपने शुगर कंट्रोल को बेहतर तरीके से रखें, आप इन्फेक्शन के होने के चांस को कम कर सकते हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा जरूरी है इन स्टेप्स का पालन यहाँ पर किया जाए। हमारे एक और दर्शक सुंदर कुमार भाटिया हमारे साथ जुड़ गए हैं, अपना सवाल पूछिए। सुंदर, आवाज मिल रही है आपको? हेलो, आवाज मिल रही है आपको? चलिए दोबारा से आप संपर्क साधने की कोशिश कीजिए, आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही डॉक्टर साहब से। डॉक्टर अरविंद, जैसा कि जिक्र आप कर रहे थे कि फंगस हर जगह होता है, डॉक्टर अरुणेश, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है कि लोग ये समझें, उन्हें जानकारी हो, क्योंकि जागरूकता के अभाव में ही इस तरीके की गंभीर बीमारियों की चपेट में हम आ रहे हैं। कुछ ऐसा ही नजारा हमने कोरोना महामारी के दौरान भी देखा, लेकिन अब तीसरी वेव थर्ड लहर को लेकर भी यहाँ पर लगातार दस्तक को लेकर संभावनाएं जताई जा रही है, उसको लेकर हमारे दर्शकों को क्या कुछ जानकारी आप देना चाहेंगे? डॉक्टर अरुणेश, आवाज मिल रही है आपको? डॉक्टर अरविंद, यही सवाल मैं आपसे भी जानना चाहूंगी, डॉक्टर अरुणेश तक संपर्क नहीं हो पा रहा है, आपसे जानना चाहूंगी कि थर्ड वेव को लेकर लगातार संभावनाएं हैं, उसको लेकर क्या जानकारी आप हमारे दर्शकों को देना चाहेंगे? डॉक्टर अरविंद, आप सुन पा रहे हैं मुझे?
चलिए डॉक्टर्स तक आवाज नहीं पहुंच पा रही, बार फिर से उनसे कनेक्ट होने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बेहद ज्यादा जरूरी है कि डॉक्टर्स की सीधी राय हम आप तक पहुंचाए। किसी भी प्रकार से भ्रमित करना हमारा मकसद नहीं है। लगातार आंकड़े भी हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर जो जानने वाली बातें हैं वो हम आपको बता रहे हैं कि महामारी अलर्ट और सुरक्षित हरियाणा की अवधि को 7 जून तक बढ़ा दिया गया है। डॉक्टर अरुणेश इस बीच हमारे साथ जुड़ गए। अरुणेश, मेरा सवाल आपसे ये था कि कोरोना महामारी के दौरान जिस तरीके से जागरूकता के अभाव में लगातार आंकड़े को बढ़ते हुए हमने देखा, इन सब के बीच अब तीसरी लहर को लेकर भी संभावना जताई जा रही है, उसको लेकर दर्शकों को आप क्या कुछ जानकारी देना चाहेंगे? देखिए, कोरोना जैसे मैंने पहले भी बताया कि कोरोना वायरस हमारे साथ रहने वाला है, तो कभी केसेस कम होने से हम लोग ये कंफ्यूज ना हो कि ये कोरोना चला गया जी। हमने यही गलती पहले वेव के अंत में करी। हमने जनवरी फरवरी में हम लोग कॉम्प्लेसेंट हो गए, हमें लगा कि बीमारी खत्म हो गई है, हम अपनी पीठ थपथपाने लगे कि बीमारी खत्म हो गई। वायरस का संक्रमण कम होना, नए केसेस का कम होना, ये कभी नहीं कहता है कि वायरस चला गया जी। ये पेंडेमिक है, ये पेंडेमिक से ये एंडेमिक हो जाएगा हमारे साथ रहने लगे, तो इसके लिए थर्ड वेव से अभी केसेस कम है, ये बड़ी अच्छी बात है, लेकिन हमें एप्रोप्रिएट तैयारियां करनी पड़ेंगी, एप्रोप्रिएट बिहेवियर करने पड़ेंगे, क्योंकि थर्ड वेव आएगा। हो सकता है अगर हमारी तैयारी अच्छी रहेगी और हम अच्छे प्रिकॉशंस लेंगे तो हमें वो प्रॉब्लम्स नहीं होगी जो प्रॉब्लम अभी हमें पिछले 2 महीने, तो हमें बिल्कुल तैयारी इसके लिए रखना पड़ेगा। इसके लिए पैनिक करने की जरूरत नहीं है, वायरस बहुत जानलेवा नहीं होता। हम ये भी जानते हैं मेजोरिटी पेशेंट्स एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट, वायरस ऐसे ही बिहेवियर करने वाला है, थोड़ा म्यूटेशन भी हो जाता है तो भी वायरस के बिहेवियर में बहुत फर्क नहीं पड़ता, ये आम एक लोगों से दूसरे लोगों में फैलता है। तो अगर हम ये लोग 2-3 चीज़ों का ध्यान रखें तो कोई कैसे आगे वाले संक्रमण को रोक सकते हैं, और अगर वो सब आता भी है, एपिडेमिक आता भी है, उसके असर कम। ठीक है, इस बीच हमारे दर्शक प्रवीण कुमार गुरुग्राम से हमारे साथ जुड़ गए। प्रवीण जी, अपना सवाल पूछिए। हेलो प्रवीण जी, सवाल पूछिए, आपकी आवाज मिल रही है। मैडम सुन पा रहे हैं आप? जी बिल्कुल, पूछिए। आप, मेरी आवाज आ रही मैडम? बिल्कुल आ रही है, आप अपना सवाल पूछिए प्रवीण जी। मैडम ये कह रहा हूँ मैं कि मैडम जो कोरोना से रिकवर हो जाते हैं जो पेशेंट जी, जो कोरोना से रिकवर हो जाते हैं पेशेंट, उनको कितने दिन तक क्या क्या परहेज, यानी खाने पीने में क्या चीज अवॉइड करनी पड़ेगी? ठीक है डॉक्टर अरविंद, यहाँ पर हमारे दर्शक का सवाल यही है कि कोरोना से रिकवर तो हो जाते हैं, लेकिन उसके बाद क्या कुछ एहतियात हमें बरतनी होगी, खासतौर पर डाइट के लिहाज से? देखिए, अगर डिपेंड करता है पेशेंट का जो सिचुएशन कैसी थी, जो माइल्ड केसेस है उन माइल्ड केसेस के अंदर अगर जहाँ पर मेजोरिटी केसेस में स्टेरॉइड नहीं लिए गए उनमें एक सिंपल अपनी नॉर्मल रेस्ट और अपनी सेहत का जो रूटीन में हम अच्छे से ध्यान रखते हैं उसी से ही मोस्टली पेशेंट को दिक्कत दूर हो जाती है जी। ये दिक्कत मैक्सिमम वहाँ आती है मॉडरेट टू सिवियर केसेस में, जहाँ पेशेंट हॉस्पिटलाइज हुए हैं या किसी भी कारण से उन्हें स्टेरॉइड दिए गए हैं, तो ऐसे केसेस में आपको सबसे महत्वपूर्ण तो ये है जिसका मैं बार बार स्ट्रेस कर रहा हूँ, अननेसेसरी लॉन्ग टर्म के लिए स्टेरॉइड ना खाएं, अपने डॉक्टर की सलाह से ही लें और जल्दी सर्ज शुरू ना करें पहली बात, और सेकंड शुगर का ध्यान रखें, जनरल हाइजीन ठीक रखें अपनी, इन 3 चीजों से ही आपके ब्लैक फंगस होने के चांस काफी कम हो जाएंगे। ठीक है, तो तमाम प्रिकॉशंस जो डॉक्टर साहब ने बताए, उम्मीद है कि आप उसको फॉलो करेंगे, क्योंकि लगातार इस तरीके की खबरें और इस तरीके के सवाल भी डॉक्टर रुनेश सामने आ रहे हैं, जहां पर कोविड से रिकवर तो हो जा रहे हैं लेकिन उसके बाद क्या करें क्या ना करें उसको लेकर संशय बना हुआ है, उस पर अगर आप थोड़ा सा प्रकाश डालें हमारे दर्शकों के लिए। आइसोलेशन 5 से 6 दिन 7 दिन रही हो या कोई इंटेंसिव केयर बेडमेंट में हो, पहली चीजें एक ये होती हैं कि इसमें से कम 20-30% मरीज जो हैं उनको पोस्ट कोविड सिंड्रोम होता है, मतलब लंग्स में एक तो निमोनिया हुए, निमोनिया में स्कार बनने शुरू हो जाते हैं, उसमें दाग बनने शुरू हो जाते हैं, तो ऐसे पेशेंट्स को तो देखना चाहते हैं कि बहुत सारी, एक हमने पोस्ट कोविड क्लिनिक ओपीडी लगाई हुई आज, जिसमें हम लोग ऐसे पेशेंट को ही देख रहे हैं जिनको कि अभी हाल में पिछले 2-3 दिनों कोविड हुआ है, इसका भी उपचार बहुत जरूरी होता है, क्योंकि ये सारे सूजन जो लंग्स में होती हैं अगर इसका इलाज सही तरीके से नहीं करें तो
तो ये परमानेंट स्कार बन जाते हैं लंग्स में और जिससे लॉन्ग टर्म हो सकते हैं सांस लेने में या खांसी। तो ऐसे पेशेंट्स को चाहिए कि वो अगर एक फॉलो अप में कोविड के बाद या हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो तो एक बार अवश्य वापस आके दो हफ्ते बाद जो अपने जिन डॉक्टर ने आपको एडमिट किया था उनसे एक बार मिल लें ताकि एक बार इंश्योर कर लें कि आप कंप्लीटली रिकवर। ऐसे लोग कंप्लीटली माइल्ड डिजीज में उसमें बहुत कोई खास चीज नहीं है। एक बार जब आप रिकवर हुए अपने आहार का ध्यान रखें, हाई प्रोटीन डाइट लें, अननेसेसरी सेल्फ मेडिकेशन ना करें क्योंकि बहुत सारी दवाइयां बहुत सारे प्रॉब्लम्स कोविड में आजकल इसलिए आ रहे हैं क्योंकि आप दवाइयां अपने मन से बिना किसी मेडिकल सलाह के लेते हैं क्योंकि दवाइयों के साइड इफेक्ट्स बहुत ज्यादा होते हैं तो उसको अननेसेसरी। बहुत लोग कह रहे हैं कि मैं जिंक ले रहा हूँ, बहुत एक मैं एग्जाम्पल देता हूँ, जिंकोविट जो जिंक टैबलेट्स हैं ये बहुत पॉपुलर हो गए हैं और लोगों को लगता है कि मैं जिंक लेता रहूं, एक साल तक ले रहा हूं, छह महीने तक ले रहा हूं, ये सारी दवाइयां हैं। जिंक को हम लोग माइक्रो न्यूट्रिएंट बोलते हैं, मतलब इसकी बहुत कम मात्रा में शरीर की आवश्यकता होती है। शरीर में अगर आप लगातार मल्टी विटामिन ही खा रहे हो ये भी आपके लिए हानिकारक है। अगर आप लगातार विटामिन सी खा रहे हो, बहुत लोगों का एक आ गया कि विटामिन सी खाए जा रहे हैं, छह महीने तक विटामिन सी खा लिया, ऐसा कोई एविडेंस नहीं है कि आप विटामिन सी और जिंक लगातार खाने से आपको दोबारा कोविड नहीं होगा या आपको आपकी इम्यूनिटी बहुत बढ़ जाएगी। तो हमेशा कोई भी दवाई लें चिकित्सक के परामर्श के बाद भी लें। जो दवाइयां होती हैं उसका एक एंड डेट होता है, हम लोग कभी नहीं कहते हैं कि आपको छह महीने तक दवाइयां खानी है। तो इसलिए अपने चिकित्सक से जरूर पूछें कि कब तक लेना है। एट द एंड ऑफ द डे इम्यूनिटी जो है वो अच्छे आहार से आती है, प्रोटीन से आती है, तो हाई प्रोटीन डाइट लेना है। अगर आपको शुगर है तो उसका देखभाल करिए और ये सब सावधानी अगर करेंगे तो आप सुरक्षित रहेंगे। बिल्कुल, बहुत ज्यादा जरूरी है कि सावधानी बरतें क्योंकि सावधानी ही सुरक्षा है। डॉक्टर अरविंद, एक सवाल ये भी है कि लोग कोरोना के जो सिम्टम्स हैं वो धीरे धीरे कम होते जाते हैं और यही वजह है कि वो लोग टेस्ट दोबारा नहीं करवाते और एकदम से सिम्टम्स खत्म हो जाते हैं और वो समझते हैं कि वो नेगेटिव हो चुके हैं और दवाइयाँ खाना भी बंद कर देते हैं। ऐसे केसेस में आप क्या एडवाइस सजेस्ट करना चाहेंगे? डॉक्टर अरविंद, आवाज मिल रही है आपको? नहीं, आपकी आवाज सुन नहीं पाई। क्या रिपीट कर सकते हैं सवाल को एक बार? सवाल ये है कि कोरोना के रिकवरी के दौरान सिम्टम्स धीरे धीरे रिड्यूस होने लगते हैं, लोग समझते हैं कि वो ठीक हो रहे हैं, फिर वो अपना टेस्ट भी दोबारा से नहीं करवाते और एकदम से सिम्टम्स खत्म हो जाते हैं तो वो इरेगुलर हो जाते हैं अपने मेडिसिन को लेकर। ऐसे तमाम पेशेंट्स को क्या एडवाइस आप करना चाहेंगे कि दूसरा टेस्ट जरूर करवाएं या फिर सिम्टम्स खत्म हो गए तो निश्चिंत हो जाने की जरूरत है? देखिए, पहले मैं ये बोलना चाहूंगा कि जो साधारण कोविड के केसेस है उसमें किसी ज्यादा दवाई का कोई रोल ही नहीं है। अगर केस माइल्ड है तो हमें ज्यादा कोई दवाई के बजाय ही पेशेंट को ठीक किया जा सकता है, उसमें हमें कोई बहुत ज्यादा दवाई नहीं देनी पड़ेगी और कभी भी अपने हिसाब से दवाई नहीं देनी। आपको किसी केमिस्ट से जाके दवाई नहीं लेनी है, व्हाट्सएप के अकॉर्डिंग ट्रीट नहीं करना है, क्वालिफाइड डॉक्टर से मिले, क्वालिफाइड डॉक्टर की सलाह से ट्रीटमेंट लें और जब वो कहें उसको पर। सेकेंड कैटेगरी होती है पेशेंट की जहां मॉडरेट और सिवियर केसेस है, उसके अंदर सावधानी बहुत ज्यादा जरूरी है। वहां पर गलत इलाज होने से नुकसान की संभावना बहुत ज्यादा है, फायदा नहीं होगा, नुकसान ज्यादा हो जाएगा। अगर क्वालिफाइड पर डॉक्टर जी ठीक है डॉक्टर साहब, इस बीच हमारी एक दर्शक कविता हमारे साथ जुड़ गई है। मैम बहुत स्वागत है आपका, अपना सवाल पूछिए। कविता जी, आवाज मिल रही है आपको? हेलो कविता जी, अपना सवाल पूछिए। हेलो डॉक्टर साहब, नमस्कार डॉक्टर साहब नमस्कार जी, आपकी आवाज मिल रही है। कविता जी, अपना सवाल पूछिए। मैं पूछना चाह रही थी, मेरे हस्बैंड ने ना पहली डोज लगवाई थी 16 अप्रैल को जी। कहिए कविता जी। उसके बाद उनको ना फीवर होता रहा है जी। और कोई समस्या है कविता जी आपको? डॉक्टर अरुणेश, यहाँ पर मैं दर्शक कविता जुड़ी हूँ, उनका ये कहना है कि उनके हस्बैंड को पहली डोज 16 से 17 अप्रैल के बीच लगी और अब लगातार उसके बाद से ही उनको फीवर आ रहा है। हाँ,
देखिए वैक्सीन के बाद एक से दो दिन बुखार आना आम बात है, क्योंकि किसी भी वैक्सीन के साथ हो सकता है, लेकिन अब 16 अप्रैल और आज हम लोग 2 जून है, मतलब डेढ़ महीने अगर किसी को बुखार आ रहा है तो डेफिनेटली यू नो ये इन्वेस्टिगेशन की बात है, उनको सिद्धार्थ सिंह डॉक्टर से दिखाना चाहिए ताकि बुखार के कारण का पता चले। कोविड का बुखार नॉर्मली एक महीने तक नहीं होता है, तो एक डेढ़ महीने क्या बुखार अब हो गया, तो ये अनलाइकली है कि ये वायरल फीवर है, वायरस के कारण ये बुखार के होने के चांसेस कम है, लेकिन फिर भी इनकी इनका एक फुल इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, इनको चिकित्सक से परामर्श लेना चाहिए। ठीक है, तो उम्मीद है कि वो इन तमाम सावधानियों को बरतेंगे, और जिस तरीके से बहुत ही कॉमन एक साइड इफेक्ट है कि वैक्सीन के बाद फीवर आ भी रहा है, ऐसे में घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। डॉक्टर अरविंद, अभी आवाज मिल रही है आपको? सवाल आपसे ये अरविंद जी कि जिस तरीके से वैक्सीन को लेकर भी लगातार जिक्र हो रहा है, साइड इफेक्ट के चलते भी लोग खासे परेशान नजर आ रहे हैं, ऐसे में वैक्सीन लेने से पहले और लेने के बाद क्या कुछ एहतियातन यहाँ पर एहतियात कदम उठाने हैं जिससे कि जो साइड इफेक्ट्स है उनको कम किया जा सकता है? देखिए सबसे इम्पोर्टेंट है वैक्सीन, इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए कि वैक्सीन ना लेने के साइड इफेक्ट सही ज्यादा है। अगर आपको कोरोना का इंफेक्शन हो गया तो नुकसान के चांस, वैक्सीन के नुकसान के चांस से कहीं ज्यादा। पहली बात तो मुझे समझना बहुत इम्पोर्टेंट, लेकिन अगर आप उस टाइम अपने हेल्दी स्टेट में हैं, वैक्सीन लगवाते हैं, तो बहुत स्मॉल परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन में कुछ ही लोगों में उसके ज्यादा साइड इफेक्ट देखे जाते हैं, और अगर कुछ बुखार आता है तो फिर तो दवाई से भी वो ठीक हो जाता है, उससे ज्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं। हमने अपने पूरे स्टाफ को वैक्सीनेट किया है, बहुत सारे पेशेंट को वैक्सीन लगाई है, अब तक मैं पूरे कॉन्फिडेंस से कह सकता हूँ कि हजारों वैक्सीन लगाने के बाद किसी भी एक व्यक्ति कोई मेजर साइड इफेक्ट नहीं हुआ है। जी बहुत ज्यादा जरूरी है कि यहाँ पर किसी भी प्रकार से डरने की आवश्यकता नहीं है। डॉक्टर अरुणेश, यहाँ पर हमारी एक और दर्शक अरुणा जी हमारे साथ जुड़ गई, उनका सवाल ले लेते हैं पहले। अरुणा जी सवाल पूछिए। अरुणा जी आवाज मिल रही है आपको? चलिए हमारे दर्शक का फोन कट गया। इस बीच आपसे दरख्वास्त है कि आप दोबारा से फोन को कनेक्ट कर सकती हैं और अपना सवाल पूछ सकती हैं। डॉक्टर अरुणेश, मैं सवाल आपसे ये कर रही थी कि आप जिस तरीके से कोविड रिकवरी के बाद लोग बहुत ज़्यादा निश्चिंत हो जाते हैं, क्योंकि एक फैक्ट ये है कि आप 1 से 2 महीने या फिर मैक्सिमम 3 महीने के बीच आपको कोविड होने के न के बराबर चांसेस हैं, क्योंकि एंटीबॉडीज ऑलरेडी आपके बॉडी में डेवलप हो जाती हैं। ऐसे तमाम पेशेंट्स को आप क्या सलाह देना चाहेंगे, क्योंकि लापरवाही तो किसी भी केस में यहाँ पर एक्सेप्टेबल नहीं है? तो मैं एक आपके दर्शकों को बताना चाहूँगा कि एंटीबॉडी होना हालांकि आपको प्रोटेक्शन देता है जी, लेकिन हमने अभी इस प्रेजेंट वेव में कुछ ऐसे पेशेंट्स देखे हैं जिनको मॉडरेट टू सीवियर कोविड था, और जब उनकी एंटीबॉडी चेक करी तो वो काफ़ी पॉजिटिव हाई था, मतलब एंटीबॉडी का लेवल हाई है फिर भी कोविड हो रहा है जी। तो ये मैं इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि एंटीबॉडी पॉजिटिव हो जाना, हाई होना आपको कॉम्प्लेसेंट नहीं बनाना चाहिए। आपको ये नहीं मान के चलना चाहिए कि अब मेरे पास कवच आ गया है कि हमें कोई वायरस मेरे पास नहीं आ सकता। हालांकि आपके चांस कोविड पकड़ने के संक्रमण होने के कम हो जाएंगे, लेकिन ये कम्प्लीटली रूल आउट नहीं हो सकता है जी। इसलिए फिर से मैं दोहराना चाहूँगा कि अगर आपको कोविड हुआ है, आप कोविड से रिकवर कर गए हो, आपने अपनी एंटीबॉडी चेक करा ली है और एंटीबॉडी का लेवल प्रोटेक्टिव लेवल में है, फिर भी आप जब भी कहीं बाहर निकलें आप कोरोना अप्रोप्रिएट बिहेवियर को जरूर फॉलो करें, क्योंकि कोरोना इन्फेक्शन लगने के चांस कम्प्लीटली नेगेटिव नहीं है। हालांकि जो पहले 3 से 4 महीने होते हैं जब आपको कोविड होता है तो दोबारा संक्रमण होने के चांस काफी कम होते हैं। बिल्कुल, इस बीच हमारे दर्शक का है कि बिल्कुल ये इस बात का ध्यान रखें जी। दर्शक श्याम हमारे साथ जुड़ गए हैं, सर बहुत स्वागत है, अपना सवाल पूछिए। श्याम आपका आवाज मिल रही है? हेलो, हाँ जी अपना सवाल पूछिए। हेलो, अपना सवाल पूछिए श्याम, आपकी आवाज मिल रही है जी। डॉक्टर साहब जी, मेरे ना रिलेटिव को ना 20 रोज हो गए वो कोरोना हुआ था, अब ठीक है, शुगर का भी वो मरीज है जी। अब वो किस चीज की सावधानी रखें ताकि आगे कोई मुश्किल ना हो, और इंजेक्शन कितने दिनों बाद लगवा सकते हैं, यही प्रश्न। डॉक्टर अरुणेश,
बिल्कुल, तो कोरोना से अब वो रिकवर हो गए हैं तो बड़ी अच्छी बात है। आपने बताया कि आपके पेशेंट डायबिटीज के मरीज हैं, तो एक बहुत इम्पोर्टेंट ये इसमें जरूरत है कि अपने शुगर का कंट्रोल बहुत ही अच्छा रखें, अंडर कंट्रोल रखें, क्योंकि कोविड के बाद जितने ब्लैक फंगस के केसेस आ रहे हैं ये उसमें ज़्यादा होते हैं जिनका डायबिटीज कंट्रोल नहीं होता है। तो पहला तो ये हो गया कि अपने शुगर का कंट्रोल रखें, अगर जो आप या तो डायबिटीज की दवाइयां ले रहे होंगे या डायबिटीज के इंजेक्शन इंसुलिन के ले रहे होंगे वो अपने चिकित्सक के सुझाव के हिसाब से लें। दूसरा, रही बात आपके टीका लगाने की, अगर आपने पहले कोविड का टीका नहीं लगाया हुआ है तो आप रिकवरी के 3 महीने के बाद आप टीका लगा सकते हैं। जो सरकार की नई गाइडलाइंस आई हैं उसमें आप जिस दिन आप कोविड से रिकवर हुए हैं, मतलब जो 15 दिन हुआ जब आपका पिछला कोविड पॉजिटिव हुआ था, उस तारीख से 3 महीने रुक के आप कोविड का पहला डोज लगवा। दरुणेश जी, इस बीच एक सवाल मेरा भी है क्योंकि टीके को लेकर ही लगातार लोगों के मन में भी संशय है कि जैसा कि आपने जिक्र किया कि कोविड से रिकवर होने की जो डेट है उससे 3 महीने बाद आप टीका लगाएं, क्या ऐसा कोई कंपलसेशन है या फिर इससे पहले भी लगवाया जा सकता है इन केस अगर अवेलेबल है तो? पॉलिसीज गवर्नमेंट की अब जो प्रेजेंट पॉलिसी है, ICMR रिकमेंडेशन है, वो बढ़ के पहले ये 6 हफ्ते हुआ करता था, अब उसको 3 महीने कर दिया गया। तो बिल्कुल, आप अगर आपकी रिकवरी है तो बेटर है। इसका बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन ये भी है, जैसा अभी हमने तुरंत जिक्र किया कि जब आप कोविड से रिकवर होते हो तो आपके पास ह्यूमरल एंटीबॉडी अपनी बनती है जो आपको टेम्पररी प्रोटेक्शन देती है। जब आप इसके ऊपर से वैक्सीन लगाते हो तो आप उस इफेक्ट को ऑगमेंट कर देते हो, वो इफेक्ट बढ़ जाता है। तो यह 3 महीना इज अ राइट ड्यूरेशन जब आप रिकवर करने के बाद पहला आप डोज कोविड का लगाते। ठीक है, इस बीच हमारे दर्शक अरविंद हमारे साथ जुड़ गए। सर, स्वागत है आपका, अपना सवाल पूछिए। चलिए, संपर्क हमारा टूट गया, आपसे दरख्वास्त करूंगी अरविंद जी आप दोबारा से हमसे जुड़ सकते हैं और अपने सवाल को पूछ सकते हैं। डॉक्टर अरविंद, एक सवाल ये भी है कि जिस तरीके से लगातार मामले सामने आ रहे हैं, अभी तक तो बुजुर्गों और युवाओं पर इसका इफेक्ट होता हुआ देखा गया है, लेकिन अब बच्चों को भी इस खतरे के अंदर बताया जा रहा है, उनको लेकर खासतौर पर माता पिताओं को आप क्या सलाह देना चाहेंगे? क्योंकि बच्चे डाइट को लेकर भी बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं होते, बहुत मुश्किल से तो वो खाना खाते हैं, एक्सरसाइजेस भी वो इतना फ्रिक्वेंटली नहीं करते हैं, तो उनके लिए क्या कुछ खास एडवाइस? जो अहम बात है वो ये है कि बच्चों में जो इन्फेक्शन होता है वो साइलेंट है, वो एसिम्प्टोमेटिक ज्यादा या माइल्ड है। अब तक हमारे हॉस्पिटल में जितने भी केस देखे हैं मेनली एडल्ट के केसेस सिवियर आए हैं। एक्टिव कोविड केस जो बहुत सिवियर हुआ हो वो बहुत रेयर है पीडियाट्रिक्स में, जो बच्चों के अंदर बहुत रेयर, जो कि बहुत ही अच्छी बात है जी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम सावधानी ना बरतें। जो सावधानी एक एडल्ट के लिए है वही सावधानी बच्चे के लिए है कि जहां पर कोई जहां लार्ज गैदरिंग में मत जाए, जहां तक हो सके बच्चे सभी नहीं मानते लेकिन कोशिश करें कि मास्क पहने पब्लिक के अंदर, अगर जाना जरूरी नहीं है तो ना जाएं। तो ये जो बेसिक प्रिकॉशन सबके लिए है वही बच्चों के लिए भी है, जो कि माँ बाप का उन्हें सहयोग चाहिए उन प्रिकॉशंस को पूरा करने के लिए। दूसरी बात, जो हम देखते हैं जो कोविड में केसेस आ रहे हैं बच्चों में वो पोस्ट कोविड के ज्यादा है, जिसको हम MISC बोलते हैं। उसमें क्या हो रहा है कि इन्फेक्शन से जब बच्चे उभर भी जाते हैं, माँ बाप को ये पता भी नहीं चलता कि उसे इन्फेक्शन हुआ और वो ठीक भी हो गया थोड़ा बहुत माइल्ड बुखार होके, लेकिन उसके छह वीक के बाद भी बच्चे एकदम बहुत गंभीर रूप से आते हैं। अब तक ऐसे कम से कम हम 8 से 10 बच्चों को ICU में कर चुके हैं एडमिट, जिनको वेंटिलेटर पर भी डालना पड़ा। लेकिन यहाँ एक और अच्छी बात है, 8 के 8-10 इतने ही बच्चे हमने वेंटिलेटर पे डाले, सभी के सभी सुरक्षित वेंटिलेटर से बाहर निकलकर अपने घर जा चुके हैं। तो बच्चों में और बड़ों में इस बीमारी को बिल्कुल अलग तरीके से प्रभावित करती है। बच्चों में बहुत अच्छी बात यह है कि ज्यादा सीरियस मरीज नहीं होते, और जो हुए भी हैं उनमें से आउट से कि पूरी दुनिया में भी 98-99% बच्चे बिल्कुल ठीक होकर घर गए हैं। ये अच्छी बात है कि बच्चों में उतना सीवियर मामला नहीं है, लेकिन डॉक्टर अरुणेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान से इस तरीके की तमाम खबरें और आंकड़े सामने आ रहे हैं जहां पर बच्चे भी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। ऐसे में बच्चे अगर होम आइसोलेशन में है तो कौन से वो खास स्टेप्स हैं जिनका माता पिता को और बच्चा जो कि संक्रमित है उनको ध्यान में रखना चाहिए? अगेन सेम एज एडल्ट्स, चूंकि बच्चों में सिम्टम्स कम होते हैं, बच्चों की बीमारियां कम सीवियर होती हैं, फिर भी ध्यान रखना है। आहार, हाई प्रोटीन डाइट बहुत इम्पॉर्टेंट है, मास्क पहनना, उनको आइसोलेट करना। आई नो बच्चों में थोड़ा सा ये मुश्किल हो जाता है,
खास करके जब बच्चे छोटे होते हैं अगर उनको कोविड हो जाए तो मदर साथ रहेंगी, तो यू नो एटलीस्ट कोशिश करें कि एक मास्क लगाएं, बच्चे नहीं तो जो उनके साथ रह रहे हैं वो मास्क लगाएं, और ऑक्सीजन लेवल चेक करते रहना है, बुखार की अगर गोली बुखार आता है तो बुखार को मॉनिटर करना है, और अगर सांस लेने की गति रेस्पिरेटरी रेट बढ़ रही है, ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है तो हॉस्पिटल ले जाना है। लेकिन फॉर्चुनेटली जिनका पालन करना होगा। इस बीच हमारे दर्शक हीरालाल हमारे साथ जुड़ गए, सर बहुत स्वागत है, अपना सवाल पूछिए। हीरालाल आप, हीरालाल जी आपसे मैं दरख्वास्त करूंगी कि टीवी का जो वॉल्यूम उसे कम कर दें जिससे कि आपकी आवाज साफ मिल सके। कहिए अपना सवाल पूछिए। नमस्कार जी डॉक्टर साहब, जैसे ये मान लो वैक्सीन लगवाने के बाद डॉक्टर साहब जैसे डायबिटीज और ये वीपी की गोली ले सकते हैं जी? ठीक है डॉक्टर अरविंद जी, अगर जो आपकी पहले से दवाइयां चल रही वो आपको छोड़नी नहीं है, अगर कोई पहले से शुगर के मरीज हैं या पहले से बीपी के मरीज हैं तो आपको अगर कोरोना के साथ वो दवाइयां छोड़नी नहीं है, वरना आप कोरोना से तो पता नहीं नुकसान कितना होगा, दवाई छोड़ने से नुकसान फालतू हो जाएगा आपका। लेकिन ऐसे में मैं आपको ये जरूर कहूंगा अपने रेगुलर चिकित्सक के पास जाएं, उनसे सलाह लें और उनकी सलाह के अनुसार अपने इलाज को चलाएं, अपने आप इलाज को बदले नहीं और चेंज ना करें बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन समस्या डॉक्टर अरविंद ये भी आती है कि कोरोना के रिकवरी का जो पूरा फेज होता है और उससे पहले जो तमाम बीमारियों की दवाइयां हम ले रहे होते हैं, क्या वो हम कंटिन्यू कर सकते हैं या फिर रिकवरी होने के बाद डिसकंटिन्यू करके फिर कंटिन्यू कर सकते हैं? डिपेंड करता है किस बीमारी की दवाई ले रहे हैं। मान लीजिए अगर आप शुगर की दवाई ले रहे हैं और कोरोना के बाद आपने शुगर की दवाई छोड़ दी तो आपका कोरोना और ज्यादा विकराल रूप लेके सामने आएगा, ना कि ठीक हो, आपका फायदा होगा उससे। तो इसीलिए मैं आपको यही कह रहा हूँ कि जो आपकी मान लो आपको थायराइड है, थायराइड की भी दवाई ले रहे हैं, लेते रहिए, जो दवाइयां आपकी पहले से चल रही हैं वो रोकनी नहीं है। अगर कोरोना होने के बाद डॉक्टर से सलाह लें, किसी भी कारणवश वेरी रेयर सर्कमस्टांस में अगर कोई दवाई चेंज भी करनी है तो डॉक्टर की सलाह से करें, अपने आप को चलते हुए दवाई को बंद ना करें, नुकसान ज्यादा होगा। ये बहुत एक अच्छी जानकारी आपने दी है क्योंकि दर्शकों में इसको लेकर लगातार सवाल भी सामने आ रहे थे दर्शकों द्वारा। इस बीच एक और दर्शक मुखदीर जी हमारे साथ जुड़ गए, सर बहुत स्वागत है, अपना सवाल पूछिए। चलिए उनसे संपर्क टूट गया, आपसे दरख्वास्त करूंगी कि आप दोबारा से हमसे जुड़ सकते हैं क्योंकि यहाँ पर लगातार सवाल आप पूछ रहे हैं, जवाब हम नहीं डॉक्टर्स का पैनल दे रहा है, बहुत ज्यादा जरूरी है। डॉक्टर अरुणेश एक बहुत ही अच्छी जानकारी यहाँ पर डॉक्टर अरविंद ने दी है कि जिस तरीके का कन्फ्यूजन होता है कि आप ऑलरेडी किसी बीमारी से ग्रसित हैं, उसकी दवाइयाँ चल रही होती हैं, उसे कंटिन्यू रखना है या फिर डिसकंटिन्यू रखना है। लेकिन एक बड़ा सवाल ये भी है कि बहुत से लोग हैं जो एलोपैथी से परहेज करते हैं, दवाइयाँ नहीं लेते हैं, उन तमाम पेशेंट्स को आप क्या ऑल्टरनेटिव यहाँ से सजेस्ट करना चाहेंगे? देखिए अगर आपको पहले से कोरोना होने से पहले की जो बीमारी है, अगर आप सपोज आस्थमेटिक हैं, आपको आस्थमा इनहेलर ले रहे हैं, अगर आप सीओपीडी है, अगर आपको लंग की डिजीज है पहले से, अगर आप डायबिटिक हैं, ये सारी दवाइयाँ वायरस से पहले की आपकी जितनी दवाइयाँ हैं अगर आप उसको ना लेंगे तो आप रिकवर भी कर जाने के बाद आपकी वो जो पुरानी बीमारी है वो आपको फिर से पीछे धकेल लेगी। तो इससे मैं जिनको पहले से कोई भी कोमॉर्बिडिटीज हो अपनी पुरानी दवाइयों को कभी बंद ना करें जब तक कि कोई फिजिशियन उनका ये कहे कि इस दवाई को टेम्पररीली आपको बंद करना चाहिए। कुछ बीमारियां होती हैं जिसमें आप सूजन की दवाइयां, जैसे किसी को गठिया है जी, उसमें कोई 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 बायोलॉजिक पहले से यूज कर रहे हैं। ठीक है हमारे दर्शक लखबीर जी हमारे साथ जुड़ गए, एक बार पहले अरुणेश जी उनसे सवाल ले लेते हैं। लखबीर जी अपना सवाल पूछिए। हेलो लखबीर जी सवाल पूछिए, आवाज मिल रही है आपकी। हेलो आवाज मिल रही है सर आपकी, अपना सवाल पूछिए। हाँ जी मैम, मैंने ये कंफर्म करना था जैसे मुझे कि मुझे हेपेटाइटिस बी है तो क्या ये मैं वैक्सीन लगवा सकता हूँ? ठीक है डॉक्टर अरुणेश बिल्कुल मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं लग रही है, लेकिन आप हेपेटाइटिस बी में जो अपने आप हेपेटोलॉजिस्ट हैं एक बार आप वैक्सीन लगाने से पहले, क्योंकि आपकी बीमारी पे भी डिपेंड करता है, अगर किसी की हेपेटाइटिस भी बिल्कुल स्टेबल है आपके यू नो उसके कुछ मार्कर्स होते हैं वो देखने होते हैं, तो मेरी सलाह होगी कि आप वैक्सीन लगाने से पहले अपने जो आपके रेगुलर डॉक्टर जो आपके हेपेटाइटिस बी ट्रीट कर रहे हैं एक बार उनसे जरूर सलाह कर लें, उसके बाद वैक्सीन।
ठीक है, उम्मीद है कि अब वो आपकी सलाह को जरूर मानेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कोई भी आप स्टेप उठाए, खासतौर पर कोरोना महामारी में, तो डॉक्टर्स की सलाह के बिना ना उठाए। उसी को लेकर लगातार हम भी आपसे अपील करते हैं कि चाहे आपको जुकाम हो, बुखार हो, नज़ला हो, या फिर कोई छोटा मोटा सिम्टम ही क्यों ना हो, अपनी मर्जी से आप दवाइयाँ ना लें, डॉक्टर से कंसल्ट करें। डॉक्टर अरविंद, लगातार समस्या जो है वो इस चीज़ को लेकर भी बनी हुई है कि उम्र के लिहाज से भी, जिस तरीके से एक युवा अगर किसी संक्रमण के चपेट में आता है और एक बुजुर्ग आता है या फिर एक बच्चा आता है, क्या उसको लेकर किसी प्रकार का डिफरेंशिएशन यहाँ पर करने की आवश्यकता है, सिम्टम्स के लिहाज से या फिर जो दवाइयाँ आप लेते हैं उनके हिसाब से? देखिए, यहाँ बहुत अच्छा सवाल आपका। इसमें दो तीन चीजें हमें ध्यान रखनी है। बुजुर्ग आदमी होंगे जो 50-60 साल, स्पेशली जो 60-65 से ऊपर के हैं, अगर वो गंभीर होने लगेंगे, उनका ऑक्सीजन लेवल गिरने लगेगा, तो वो बहुत जल्दी पकड़ लेंगे, क्योंकि उनका रिजर्व कम होता है। सपोज कीजिए पेशेंट कोई बीमारी है उनको, उसके बाद कोरोना हो गया और ऑक्सीजन लेवल गिरा, तो उनके सिम्टम जल्दी एग्रेवेट हो जाएंगे और हमें पकड़ने में आसानी होती है, वो चीज जल्दी, वो हमारे पास जल्दी हेल्प के लिए आते हैं। ठीक है डॉक्टर, इसका 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 जवाब मैं आगे आपसे लूंगी, लेकिन एक दर्शक हमारे राजेंद्र प्रसाद जी हमारे साथ जुड़ गए। सर स्वागत है, अपना सवाल पूछिए। हेलो राजेंद्र जी, आवाज मिल रही है आपकी, आप सवाल पूछिए। हाँ जी, हाँ जी मैम, वैसे ये जो कोरोना है, जैसे एक बार जैसे पॉजिटिव हो गई, उसके बाद में जैसे 10 दिन बाद में दोबारा वो पॉजिटिव निकलता है, तो ये कितने दिन तक ठीक होता है मैडम? ठीक है डॉक्टर अरुणेश, देखिए आपका सवाल में ये मैं कहना चाहूंगा कि अगर आपको भी आपके सिम्टम्स सब खत्म हो गए हैं, अगर आपको कोई दिक्कत नहीं हो रही है, तो सरकार की सलाह है कि अब आप क्वारंटाइन करके 14 दिन के बाद आपको रिपीट टेस्ट कराने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपने करवाया है, अगर आपको कोई सिम्टम नहीं है, कोई लक्षण नहीं है, बुखार नहीं है, खांसी नहीं है, तो रिपीट कोविड टेस्ट का मतलब ये नहीं होता है कि आपको एक्टिव कोविड इन्फेक्शन है। ये भी हो सकता है कि आपके गले में जो डेड वायरस है, जो वायरस अब एक्टिविटी उनकी नहीं है, उसको भी कोविड आरटीपीसीआर वैसे ही डिटेक्ट करता है। मतलब पीसीआर टेस्ट में हम ये डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं कि जो वायरस वहाँ पे जिंदा है या वायरस वो डेड वायरस है, और ये विशेष कारण है। इसीलिए आईसीएमआर ने ये बोला है कि हम लोग अनयूजुअल केसेस में रिपीट कोविड आरटीपीसीआर की जरूरत नहीं है। तो अगर आपने 14 से 17 दिन के बीच में क्वारंटाइन कर लिया है आपके पहले लक्षण से, या लास्ट जो आपका कोविड आरटीपीसीआर पॉजिटिव था, तो आप बिना किसी दिक्कत के आप घर से बाहर निकल सकते हैं, अपने फैमिली में अपने रूम से बाहर निकल सकते हैं, रिपीट कोविड आरटीपीसीआर की जरूरत नहीं है। अगर आपने अभी करवा लिया है, वो अगर आपका दोबारा पॉजिटिव हुआ है, तो मेरी सलाह होगी अगर आपकी इच्छा हो तो आप एक बार फिर 4-5 दिनों बाद एक बार फिर रिपीट करवा लें, लेकिन इसकी कोई जरूरत नहीं। ठीक है डॉक्टर अरविंद, आप यहाँ पर जवाब दे रहे थे उम्र के लिहाज से किस तरीके से डिफरेंशिएशन हो सकता है, उसका जवाब को आप कंप्लीट कीजिए। जी, दूसरी एक एज ग्रुप है जो कि हम मानते हैं कि 20 से लेकर 50 के बीच का एक ग्रुप, उसमें लोग जनरली हेल्दी होते हैं। उसमें कई बार हमें वायरस से ज्यादा नुकसान, हमारा शरीर जिस तरीके से वायरस से रिएक्ट करता है उसमें नुकसान ज्यादा होता है। इसको हम बोलते हैं हाइपर एक्टिव इम्यून सिस्टम, कि हमारा अपना इम्यून सिस्टम वायरस को मारने में इतना एक्टिव हो जाता है कि वायरस के साथ साथ वो हमारे शरीर को ही नुकसान पहुंचा देता है। और इन पेशेंट्स में ये लोग जनरली लेट हेल्थ के लिए आते हैं, स्पेशली जो 40 साल से कम उम्र के हैं, उन्हें लगता है कि हम ठीक चल रहे हैं, ठीक चल रहे हैं, क्योंकि बॉडी में रिजर्व होता है और वो काफी टाइम तक अपना वो चलाते रहते हैं। अनफॉर्चुनेटली इतना लेट जब वो आते हैं तो उस टाइम डैमेज इतना हो चुका होता है कि उन्हें आईसीयू पर, कई बार उन्हें आईसीयू से भी हम निकाल नहीं पाते, उनकी मृत्यु हो जाती है। तो यहाँ देखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जब सिम्टम स्टार्ट हो तो आप उसको सावधानी लें और जल्दी हेल्प लें। स्पेशली यंग लोग लापरवाही ना बरते, ये ना सोचे हमें कुछ नहीं होगा। इस वेव में और पुरानी वेव में भी 30-40-50 साल के युवा बहुत बीमार हुए हैं, आईसीयू में भी एडमिट हुए हैं, और कुछ हमके कई कुछ को हम बचा भी नहीं पाए। ठीक है सिकंदर कुमार हमारे दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, सर बहुत स्वागत है, अपना सवाल पूछिए। हेलो सिकंदर जी, आवाज मिल रही है आपको? चलिए संपर्क टूट गया, आपसे दरख्वास्त है कि आप दोबारा से नंबर डायल कर हमसे जुड़ सकते हैं, क्योंकि लगातार हमारे डॉक्टर्स हमारे साथ बने हुए हैं। डॉक्टर अरुणेश,
जो तमाम फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं जो दिन रात अपने काम के लिए बाहर जाते हैं, आप खुद डॉक्टर्स भी हैं, हम मीडिया कर्मी हैं, सफाई कर्मी से तमाम फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, उनके लिए खास एडवाइस आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे, क्योंकि अभी ये पूरी जो त्रासदी है वो खत्म नहीं हुई है? बिल्कुल, तो सबसे पहले मैं आशा करता हूँ कि जितने फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं सबको वैक्सीन लग गई होगी जी। मेजॉरिटी यू नो मेडिकल पार्ट में आई नो कि मेजॉरिटी लग गई हैं, जिनमें जिन्होंने नहीं लगवाई हुई हैं प्लीज़ प्लीज़ प्रायोरिटी बेसिस पे जाके दोनों वैक्सीन लगवा लें। दूसरा, जब आप अपने काम पे जाते हैं तो जिस हिसाब का काम है, जैसे अगर कोई हॉस्पिटल में काम करते हैं तो आजकल हम लोग रिकमेंड कर रहे हैं डबल मास्क, एक मास्क नहीं दो मास्क लगाएं, जिनका एक्सपोजर प्रोन है, जो जहाँ पे वायरस के इन्फेक्शन के लोड ज़्यादा हैं, जैसे कोई आईसीयू में काम कर रहा है, कोई वार्ड में है जहाँ पे कि कोरोना के मरीज रहते हैं तो वहाँ पे करना है। सफाई कर्मचारी जो हॉस्पिटल में काम करते हैं उनको ज़्यादा सावधानी की ज़रूरत है। जो लोग किनको अगर कोई सिम्टम्स आ रहा हो, जैसे हम लोग पब्लिक के लिए वही नियम यहाँ भी लागू है, अगर आपको लगे कि आपको बुखार आ रहा है, आपको कोरोना संबंधित कोई सिम्टम्स आ रहे हैं, तो आप जल्दी से जल्दी जांच करवाएं और अपने आप को आइसोलेट कर लें ताकि आपके कलीग्स और दूसरे लोगों को वर्क प्लेस पे ये बीमारी ना फैले। अपने न्यूट्रिशन को बना के रखें, हाई प्रोटीन डाइट लें, और अगर आपको कोई दूसरी कोमॉर्बिडिटीज़ हैं, डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, इसका भी ख्याल रखें, क्योंकि इन सबों का रोल है। कोरोना को हम लोग आइसोलेशन में कभी नहीं देखना चाहिए। कोरोना का इफेक्ट जिन लोगों को जिनको पहले से बीमारियाँ हैं उसमें ज़्यादा होता है, इसलिए अपनी पुरानी बीमारियों का ध्यान रखें और साथ साथ ये ख्याल रखें कि आपको कोरोना का इन्फेक्शन ना लगे, इसकी उसको मिनिमाइज करने की कोशिश करें। बिल्कुल, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है डॉक्टर अरविंद, यही सवाल मैं आपसे भी करना चाहूँगी। फ्रंटलाइन वर्कर्स का हम जिक्र कर रहे हैं, आप जो दिन रात कोरोना महामारी के दौरान काम भी करते हैं और करते भी रहेंगे, ऐसे में बहुत ज़्यादा समय उनको नहीं मिल पाता है, तो डाइट का ख्याल रखना हो या फिर एक्सरसाइज को रूटीन बेसिस पे अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाना हो, वो हो नहीं पाता, उनको क्या एडवाइस आप देना चाहेंगे या फिर कोई अल्टरनेटिव जो आप उनको सजेस्ट करना चाहें? देखिए, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हम अपना खुद का ध्यान रखें। किसी भी लड़ाई में आप खुद को सेक्रीफाइस करके लड़ाई नहीं जीत सकते जी। जब तक हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स हेल्दी नहीं होंगे, हमारे पास वर्क फोर्स नहीं होगी लोगों को हेल्प करने के लिए, खुद का ध्यान हम रखेंगे तो ही हम मरीजों को ठीक कर पाएंगे। यहाँ इम्पॉर्टेंट है अपने साथियों के साथ मिलकर काम करें, एक टीम में काम करें। जब कभी किसी को आराम की जरूरत है, एक दूसरे साथी को आप आराम दें, आपस में सहयोग बढ़ाएं। जितना हम आपस में अपने कलीग के साथ सहयोग बढ़ा के काम करेंगे, मिलके काम करेंगे, हम सबको रेस्ट मिलने के चांस बढ़ जाएंगे। जब टीम वर्क आता है तो हमेशा आपको ज्यादा सुविधा मिलती है और हम खुद का भी और अपने साथ बहुत ज्यादा जरूरी है कि मनोबल को यहाँ पर कहीं भी कम ना होने दें, जो मोराल है वो डाउन नहीं होना चाहिए। हमारे दर्शक वेद प्रकाश हमारे साथ जुड़ गए हैं। वेद जी, बहुत स्वागत है आपका, सवाल पूछिए। नमस्कार। नमस्ते, सवाल पूछिए अपना वेद जी। जी, मैं मेरी मिसेज को इंजेक्शन लगवाया था कोविशील्ड का 21 मार्च को जी, बाद में उनको बहुत बॉम्बिंग हुआ 4 घंटे बाद। तो अभी दूसरा इंजेक्शन डालने के लिए हम लोग डर रहे हैं, क्या करना चाहिए वही थोड़ा पूछना था डॉक्टर अरुणेश जी। देखिए, वैक्सीन के बाद वॉमिटिंग ऐसा कोई कॉमन नहीं है, लेकिन अगर हुआ था तो जरूरी नहीं है कि वॉमिटिंग दोबारा हो। फिर भी एक बार आप लगवाने से पहले, क्योंकि वॉमिटिंग हो सकता है किसी दूसरे कारण से भी हो रहा हो, एज लॉन्ग एज कोई बड़ा रिएक्शन नहीं हुआ हो, एनाफाइलेक्सिस रिएक्शन बोलते हैं जिसमें कि सांस की गति कम होने लगती है, चेहरा फूल जाता है, टंग फूल जाता है, अगर ये सारी चीज़ें नहीं हुई हों तो वैक्सीन अदरवाइज सेफ होना चाहिए। लेकिन अगर पहले से उनकी तबीयत खराब लग रही हो तो एक बार पहले चिकित्सक को दिखाते तब वैक्सीन लें, अदरवाइज अगर वो ठीक हो तो आप दूसरी वैक्सीन लगा सकते हैं। बिल्कुल, बहुत ज्यादा जरूरी है कि सावधानी बरतें और किसी भी प्रकार के डरने की आवश्यकता नहीं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर अरुणेश और डॉक्टर अरविंद आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आसान शब्दों में जो तमाम भ्रम है या फिर यूं कहें कंफ्यूजन या सवाल जो दर्शकों के मन में रहते हैं उनका जवाब देने के लिए, क्योंकि लगातार लोगों के मन में संशय होता है और हॉस्पिटल विजिट करने से पहले 100 बार वो सोचते हैं, क्योंकि कोरोना महामारी अभी खत्म नहीं हुई है। ऐसे में हम अपनी जिम्मेदारी को समझते हैं और यही वजह है कि ओपीडी मुहिम की शुरुआत हमने की है, जहां पर आप हमारे फोन नंबर्स को डायल कर हमसे जुड़ सकते हैं और सवाल पूछ सकते हैं। लेकिन फिलहाल आज के ओपीडी में बस इतना ही, फिर मुलाकात कल होगी, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।